उर्दू वाला। जय राम जी की। अनिश बाबा। मैं अनिश नहीं हूँ। पांच आप तो सचमुच में अनिश बाबा नहीं हो। मेरा नाम दीपक है। दीपक है। आया समझ में। जरूर अनिश बाबा का कोई सगा वाला लगता है। कब आए बिटुआ? कल। कल आए? अनिश बाबा अभी तक सोवत है का? यहाँ अनिश नहीं है। नहीं? कहाँ गया फिर? मेरे घर। मेरे घर? का बात है भैया, तुम्हार बात तो हमरे सर के ऊपर से गुजर रही है। तनिक ऐसन करो, जाओ कर पतीला लाओ, दूध दे दे। अनिश बेटा, दीपक बेटा जाओ अंदर जाओ। घर में कोनो मेहमान आवन है क्या? अनिश, अनिश बेटा, चलो उठो अनिश, चलो। प्लीज मम्मी थोड़ी देर और। नहीं नहीं थोड़ी देर और नहीं, चलो उठो, 6:30 बज गए। प्लीज मम्मी थोड़ी देर और। अरे बहू, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? माँ जी, दीपक ने 6 बजे उठता था, फिर इसे भी तो यहाँ की डिसिप्लिन सीखना। हाँ, एक ही दिन में सारा डिसिप्लिन सिखा दोगी तुम। आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिएगा। चलो उठो 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 उठो। हो गया आपका डिसिप्लिन? लाइए मम्मी, इसे मैं घुमा देता। आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जा। दूध लेके आना। हाँ जी। हेलो। हेलो। अरे बहन जी, आप? दीपक कैसा है, आपको परेशान तो नहीं करता? नहीं, परेशान तो नहीं कर रहा है। एक बात बताइए, आप उसे नाश्ते में क्या देती थी? कुछ खा ही नहीं रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, उसे शीरा और पोहा बहुत पसंद है। अच्छा, पोहा और शीरा? हाँ। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अनिश को नाश्ते में ब्रेड, ऑमलेट और दूध अच्छा लगता है, जरा ध्यान रखिएगा। और खीर भी उसे बहुत पसंद है। एक बार बात हो सकती है उससे? नहीं, वो अपने पापा के साथ दूध लाने गए हैं। अच्छा ठीक है, वो आए तो प्लीज एक बार बात करवा दीजिएगा। एक बात बोलो बहन जी, आप उससे बात करेंगे तो उसका मोह कैसे टूटेगा? आप ही कलेजे पे पत्थर रख लीजिए, जैसे मैंने दीपक के लिए रखा। जी देख रही हो, इस सारी जगह में इतना अच्छा लगता है कि ना पूछो बात। वो पहाड़, तुम्हारे पापा को मैंने कहा था कि तुम चढ़ जाओ उस पे, तो पापा बोले नहीं। दीपक, दीपक, ए उदास क्यों? बिन्नी से मिले हो ना?
अभी तक दोस्ती नहीं हुई। बिनी तुम दीपक के साथ खेलो, फिर शाम को घर आ जाना। ठीक है। ये लो। अच्छा खेलो। मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं। क्यों? यह कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता नहीं? टॉमी। मैं कुत्ता ही बोलूंगा, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। शी, तुम कितने गंदे हो। मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं करनी। मैं तुम भी गंदे हो, मैं भी तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कभी नहीं कभी। दीपाली जरा चावल तो लाओ। जी लाई। बस, थैंक यू। ना जी आपको? नहीं बेटा। नहीं? अरे अनिश बेटा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। देखो मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास ले जाओ। अनिश, अनिश बेटा, अनिश बेटा ऐसे नहीं करते बाबा, ऐसे नहीं बोलते। मैं आपको खिलाती हूँ, मैं आपकी मम्मी हूँ ना। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। अनिश बेटा, अब यही आपकी मम्मी है। चलो अच्छे बच्चे बनकर मम्मी के हाथ से खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा दादी के हाथ से खाना खाओगे। मम्मी आप जरा यहाँ, दादी के हाथ से खा लो। खाए कभी तो खा लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा, मैं तो दादी हूँ ना, खाओ। मैं दादी हूँ ना, खा लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, अभी मेरे पापा नहीं हो। मेरे मम्मी पापा तो वहाँ हैं। तुम इस लड़के, शर्मी आती तुझे? देख लिया तुमने, सिर्फ पैदा करने से बच्चा अपना नहीं हो जाता। अनिश बेटा, तुम अकेले क्यों बैठे हो? बच्चू तुम दादी से कहानी सुनोगे? हाँ चलो चलो, हम कहानी सुनोगे। चलो thank you.
अनीश, अनीश, अनीश बेटा, सुनील, सुनील, सुनील उठो, सुनील, सुनील उठो, अनीश घर पे नहीं है। क्या? सुनील, मैंने पूरा घर ढूंढा, अनीश कहीं नहीं है। भगवान, मेरा बच्चा कहाँ होगा? सुनील ढूंढो ना उसे। तुम मत करो दीपाली। माँ, अनीश कहीं चला गया है? और कुत्ता? वो भी नहीं है, मैं देखता हूँ। मैंने कहा था इतना छोटा बच्चा अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आजी मैं तो समझने की कोशिश करो बहू। देखो उसे इससे कोई मतलब नहीं कि उसे किसने जन्म दिया है। जब से उसने होश संभाला है जिसे भी माँ बाप के रूप में देखा है वही उसके माँ बाप है। देखो बहू हमारा दीपक भी ऐसा ही तड़प रहा है। जल्दी जाओ उसे ढूंढ लो। जाओ इतनी रात को किसका फोन है? हेलो। हाँ क्या 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 हुआ? ठीक है आप उसे ढूंढने निकले, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। हुआ क्या? अनीश घर से भाग गया। क्या? हेलो। हेलो अंकल। अंकल मैं अमिता बोल रही हूँ। हाँ अमिता बेटी, क्या बात है? अंकल वो। हाँ हाँ बोलो बेटी, क्या हुआ? अंकल वो, अंकल वो मिस्टर सावंत के यहाँ से फोन आया था अभी। अनीश घर से कहीं निकल गया है। व्हाट? जी अतुल उसको ढूंढने के लिए गए हैं। अतुल मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, अनीश को कुछ नहीं होगा। टॉमी है ना उसके साथ, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब फिर मैं भी अतुल को सेल पर कांटेक्ट करके अनीश को ढूंढने निकलता हूं। ओके, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू। या चला गया।
ये अनीश तो नहीं है इस औरत के साथ? ये अनीश नहीं है हमारा। ये तो टॉमी की आवाज लग रही है। हाँ उसी की आवाज है। अमिता, नहीं अनीश अभी तक नहीं मिला। क्या घर आ गया? अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ तुलसी। हाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अनीश घर पहुंच चुका है। क्या अनीश मिल गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम लोग अभी आ रहे हैं। जी आप वहीं आइए। हाँ, अनीश मिल गया। कम ऑन कहाँ गया होगा? हेलो कर्नल अंकल। हाँ आप डायरेक्टली घर पहुंची? अनीश पहुंच चुका है टॉमी के साथ। ठीक है मैं घर पहुंच रहा हूँ। ओके भले ही देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था लेकिन कृष्ण ने तो यशोदा को ही मां समझा ना। हाँ हम लोग एक बात तो भूल ही गई थी, इनके पैदा होते ही भगवान ने हमें यशोदा बना दिया और हम लोग देवकी बन के निभाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक कह रही है मिसेस सामंत, अगर हमें अपने कृष्ण को पाना है तो हमें देवकी नहीं यशोदा बन के जीना होगा। हाँ, मेरी भी समझ में आ गया कहाँ मेरा कृष्ण दीपक। अच्छा